हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाऊंगा और मतलब समझाऊंगा प्रेमचंद की जानी मानी कहानी दो बैलों की कथा का। ये क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है हिंदी के क्षितिज बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले एक बात, अगर आप मैं नया यूट्यूबर हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको यह अच्छी लगे या बुरी भी लगे तो इसके लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आते रहें मेरी नई वीडियोज़ के। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ प्रेमचंद का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर में परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उन्हें उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों का दयनीय स्थित, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य की नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है।